प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगाने के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है और अपराधियों की धरपकड़ लगातार जारी है। आपको बता दें, हाल ही में क्राइम ब्रांच ने ऑनलाइन ठगी के मामले में 4 अपराधियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा और महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है। रायपुर के SP पीताम्बर पटेल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुछ दिन पहले तेलीबांधा थाने में एक कंपनी DU प्रोजेक्ट्स के FIR दर्ज कराई गई थी। उनके डायरेक्टर दिनेश पटेल की DP का इस्तेमाल कर उन्हें कॉल किया गया और पैसों की मांग की गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इनकी खोज में जुट गई है और अब हाल ही में 2 अपराधियों को उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार किया गया है, जबकि इसके अलावा मुंबई पुलिस ने पुणे में 2 मुख्य अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये 4 लोगों का गिरोह है जो कि कॉल के जरिए लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करता है। इनसे 4.5 लाख के राशि को सीज कर ली गई है और अभी भी छानबीन जारी है। थाना तेलीबांधा में DV प्रोजेक्ट के द्वारा एक FIR कराया गया था कि उनके मुंशी से, जो उनके डायरेक्टर है दिनेश पटेल, उनके DP का इस्तेमाल करके कॉल आया था और एक अकाउंट नंबर में पैसे की मांग की गई और जिसके बाद उन्होंने 2 ट्रांजेक्शन किया था। लगभग 55 लाख रुपये का इसमें ट्रांसफर हुआ था, जिसमें अपराध पंजीबद्ध होने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई थी। अभी पिछले कई दिनों की मेहनत के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 2 आरोपी अभी कुशीनगर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार करके ला रहे हैं। कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 मुख्य आरोपी मुंबई पुलिस के द्वारा पूर्व के मामलों में गिरफ्तार हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक ये गिरोह है जिनके द्वारा ऑनलाइन ठगी जो है किया गया है। इसमें लगभग 4.5 लाख रुपये की राशि को फ्रीज किया गया था। 4 मोबाइल अभी जब्त किए गए हैं। इनसे आगे पूछताछ जारी है, आगे कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ स्वरमे टाइम्स में। मैं थी आपके साथ शिवानी शुक्ला।